दर्द क्यों हो रहा है? अरे तारा तू ये क्या कर रही है? रेस्ट कर, तुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है अभी। ये क्या हुआ है? जिस औरत ने तुझे बंद किया था वो तेरी किडनी बेचना चाहती थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं और अनु सही टाइम पे वहां पहुंच गए और आज तू सेफ है। पर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? वहां पे जो लड़के थे ना उसमें से एक के पास तेरा फोन था तो हमने तुझे ट्रैक किया। ओए सर, तू तो बोल रहा था मुझे डिनर पे ले जाना चाहता है। हाँ हाँ, ये रहा नंबर, अभी ऑन है, जल्दी से ट्रैक करके लोकेशन बताओ। करना। हाँ। हो गया। व्हाट्सएप करना। भेज दिया। अच्छा सुन, कल रात 7 बजे उठा लियो मुझे मेरे घर से। ठीक है। थैंक यू सिमी, तूने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान तेरा कभी नहीं भूल पाऊंगी। पागल है क्या, कोई अपनों को ऐसे बोलता है? पर वो लड़की कौन थी जिसने तेरी इतनी हेल्प की? तारा, अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे सुन के प्लीज तू घबराना मत, क्योंकि तुझे पता है ना मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। सिमी तू मुझे अब डरा रही है, बताएगी भी क्या हुआ? तारा, तेरी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम जुगनी है। जुगनी? मम्मी, मम्मी जुगनी आई है, आपकी जुगनी। मम्मी, मम्मी आप तो मुझे हर बात बताती हो ना, हर एक बात, पर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली मम्मी, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जुगनी बेटा, तू? ताई अम्मा, देखो ना मम्मी ने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। मम्मी तो मुझे सब बातें बताती है ना, फिर ये क्यों नहीं बताया? आप ही बताओ ना। तू यहाँ से उठ, बाहर चल, बताती मैं सब तुझे, परेशान मत हो, चला। हमेशा कहती थी मम्मी बिल्कुल मेरी तरह थी, एकदम शरारती, तो फिर आपने भी मुझे कभी क्यों नहीं बताया था? इमा बताओ ना। रो मत मेरे बच्चे, रो मत, मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मम्मी को ये सब सहना पड़ा। मैं यूं ही मम्मी को इस तरह बोलती रही पूरी जिंदगी। अरे जुगनी, 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 सारा, मैं तो यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आई थी इस नए शहर में, पर मुझे पता नहीं था मुझे मेरी यहाँ बहन भी मिल जाएगी। सिमी, ओ भैंस की आँख, आज तो मस्त फिल्मी सीन चल रहा है, दो जुड़वा एक साथ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मम्मी कहाँ है? मम्मी अब नहीं है तो तू भूल जा उन्हें। नहीं, मुझे हमारी मम्मी के बारे में जानना है, मुझे
मुझे मेरे वजूद के बारे में जानना है, चाहे मैं उनसे मिल पाऊं या नहीं। मुझे जानना है कि वो हमें छोड़ के क्यों गई। मुझे जानना है कि हम इतने बुरे बच्चे थे कि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भूल जा उनके बारे में और अपनी लाइफ में आगे बढ़। तुझे जरूर उनके बारे में कुछ पता है ना? प्लीज मुझे बता, कहाँ है वो? मेरी मम्मी कहाँ है? हमारी मम्मी कहाँ है? तुझे जानना है ना उनके बारे में, तो सुन, मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे भी तो आज ही पता चला है कि मम्मी के साथ क्या हुआ। काम करती हूँ, उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ कि फ्री हुए या नहीं। हेलो हेलो, निकल चुके हो ऑफिस से? हाँ, मेरा ऑफिस खत्म हो गया है तो मैं निकल ही रही हूँ अभी। भाई से बात कर रहा है? तो भाभी से। ओ, भाभी से? तो भाभी को यूं बुला ले, मूवी देखने चलते हैं हम लोग। हेलो हेलो, काम कौन करेगा? काम भी तो रहा है। अरे काम तेरा भाई संभाल लेगा, क्यों टेंशन ले रहा है? हेलो हेलो, अच्छा तुम सुनो, एक काम करो, ऑफिस में आ जाओ, यहाँ से फिर मूवी देखने चलते। अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। पहले मम्मी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर निकल रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ, लड़की भी छोड़, लड़की चक्कर में क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? भोग दूंगा, निकल ले यहाँ से। उधर क्या देख रहा है? निकल चल चल, निकल निकल। हम यहाँ पे चाय पीने नहीं आए हैं। देखिए साफ सीधी सी बात है, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब आपकी बेटी किसी काम की नहीं है, पता ही होगा आपको क्या हुआ है उसके साथ। अब वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आप क्या रिश्ता तोड़ेगी? मैं ही रिश्ता तोड़ती हूँ। मुझे ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी करनी नहीं है जो अभी नहीं ध्यान रख सका मेरी बेटी का, बाद में क्या रखेगा। निकल जाओ मेरे घर से। अकड़ तो देखो इनकी, चल तू यहाँ से। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि हम दोनों के पैदा होते ही मम्मी चल बसी। तारा तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं हूं ना तेरे साथ। देख तारा, ये सच्चाई जितनी तेरे लिए मुश्किल है ना, उतनी ही मेरे लिए भी है। पर तू रो मत, अब हम है ना तेरे साथ। तू चुप हो जा। तारा तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं हूं ना तेरे साथ। बिल्कुल चुप हो जा। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे के साथ है। और जुगनी तू भी अकेली नहीं है, हम सब है एक दूसरे के साथ। और अगर किसी ने भी फालतू मजे लिए ना, तो साथ मिलके धोप देंगे सबको। और तू तो पढ़ी लिखी भी लगती है, तो तू अपनी पढ़ाई चालू रखना। हम सब तो हैं ही तेरे साथ, किसी भी चीज की कमी हो ना तो हमें जरूर बता देना। और तू भी टेंशन मत ले, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में किसी भी मोड पे मेरी जरूरत हो ना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैं क्या, इनफैक्ट हम सब। yes. चल चल, अब ये लोचा खत्म करते हैं। और ना अपने को धंधे का टाइम हो रहा है, तो हम तो जा रहे हैं, तू अपना ध्यान रख। और हाँ, कोई भी कमी हो हमें बता जरूर देना, और तू इसका ध्यान रखियो, ठीक है? चलो बाय बाय बाय। और इस तरह तारा को अपनी पहचान भी मिल गई और उसकी अपनी बहन भी, और वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। तो कैसा लगा आपको तारा का ये फिनाले एपिसोड? वी होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, ये एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि DQ के जो चैलेंजेस है वो हम मंडे को अपलोड किया करेंगे अपने अनायसा के चैनल पे 2 PM, तो देखना बिल्कुल मत भूलना।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ढेर सारी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।